हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले देखते हैं आज ये कुछ क्वेश्चंस, फिर चलते हैं हमारी आगे डिस्कशन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम को लेके। पहला स्टेटमेंट देखो, इसमें ये दिया गया है कि ये जो स्कीम है इसमें जो उपभोक्ता है जिसको लाभ मिलने वाला है वो इनकम टैक्स है, उसका लाभार्थी नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो स्कीम है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के द्वारा इंप्लीमेंट है, वो की जाएगी। अब हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है वो इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। इस बार के जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें स्कीम को लॉन्च है वो किया गया था। तो देखो, इसका वैसे तो आंसर है वो सी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बट इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट आपको एक तो ये ध्यान रखने हैं कि ये जो स्कीम है इसमें जो लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, उनकी एज होनी चाहिए 18 से लेके 40 साल के बीच में। अब होगा क्या इसमें, इसमें देखो स्टार्टिंग में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वर्कर को खुद को पे करना होगा और कुछ फिर उतना ही गवर्नमेंट पे करेगी। जैसे मान लो कि एक वर्कर ने 100 रुपये पर मंथ एक तरीके से अपने पैसे स्टोर करना शुरू किया तो गवर्नमेंट भी उसके 100 रुपये पर मंथ है वो सेव करना शुरू करेगी। उसके बाद उसको जब रिटायर हो जाएगा या फिर हम बोले कि 60 साल की एज पूरी हो जाएगी तो 60 साल की एज के बाद उसको हर महीने 3,000-3,000 रुपये की एक तरीके से पेंशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें इसका मेन मोटो या मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे देखा, मतलब इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उपभोक्ता है, बेनिफिशियरी उसका खुद का और इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये है कि भाई ये फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उनके लिए है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है। इसमें देखो क्राइटेरिया ही रखा गया है कि अनऑर्गेनाइज यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो जॉब होगी, जैसे कि मान लो कि कोई इंसान घर में अपने कुछ झाड़ू वगैरह बना रहा है, कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, तो उस सेक्टर के लिए स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। क्योंकि देखो फॉर्मल सेक्टर की अगर जॉब की बात करें तो वो तो गवर्नमेंट की फिक्स जॉब होती है तो उनमें तो वैसे ही पेंशन या उनको प्रोविजन काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो मेनली जो हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर है जिसकी बात की जा रही थी कि भाई डीमोनेटाइजेशन और जब से GST इंप्लीमेंट हुआ तो उसको काफ़ी लॉस हुआ है, तो उन्हीं की हालत कहीं ना कहीं सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है वो लाई गई है। इसमें एक फैक्ट देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो वर्कर जो कि न्यू पेंशन स्कीम और इसी के साथ ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसी के साथ एक स्कीम और थी जिसका नाम था इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तीन स्कीम का जो पर्सन फायदा उठा रहे हैं ना वो पर्सन इस नए वाली स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो पुराने वाली NPS और इसी के साथ ESIC स्कीम और इसी के साथ ही EPFO का जो बेनिफिट उठा रहे हैं जो पर्सन, वो एक्चुअली प्रधानमंत्री श्रम धन मान योजना का स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते। यह केवल उन्हीं के लिए है जो किसी स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें एक ही रखा गया है कि उस पर्सन को बेनिफिट उठाना है तो उसकी सैलरी है वो पर मंथ 15,000 से कम होनी चाहिए, मतलब या तो 15,000 हो या फिर 15,000 से कम हो, उससे ज़्यादा अगर है तो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। और ऑब्वियसली अगर 15,000 से कम है तो इनकम टैक्स उसे मतलब पे करना ही नहीं होगा, तो वो इस दायरे में अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में प्रावधान क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ही उसके 60 साल की एज कंप्लीट हो जाएगी या फिर हम बोलें कि काम करने की जो एज है वो खत्म हो जाएगी तो उसको पर मंथ 3,000 रुपये की गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन है वो दी जाएगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। ये इसके बारे में जो फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुराने वाली तीन स्कीम है इनका कोई भी लाभार्थी नहीं होना चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और इसी के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO, अगर इनका कोई बेनिफिट उठा रहा है और कोई पर्सन इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकता। ये सारे फैक्ट ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी अच्छी स्कीम है तो मे बी UPSC इसके बारे में कुछ पूछ लें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अनूप सत्ता कमेटी को लेकर। क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि अनूप सत्ता जो कमेटी है वो भी न्यूज़ में थी, किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सेशन ऑफ नेशनल मिनिमम वेजेस। दूसरा दिया गया कि मेजर ऑफ रिटर्न डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी जैसे हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि गवर्नमेंट है वो एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ है वो अग्रसर हो रही थी तो उस तरीके की पॉलिसी के लिए। और तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं उनके लेके उनको रोकने के लिए सजेशन वगैरह देने के लिए। और चौथा यहाँ पे दिया गया है कि जो हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर स्टेप उठाने के लिए, गाइडलाइन के लिए। तो देखो ऑब्वियसली अभी न्यूज़ में थी तो इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस किया है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। काफ़ी अच्छी है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी देखो हम बात करें मिनिस्ट्री
ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके द्वारा एक कमेटी का निर्माण या गठन किया गया था। क्यों? इसका मेन मोटिव यह था कि हमारे देश में जो मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं वर्कर को, उसको लेके पारदर्शिता है और उसको लेके जो जो चेंजेस करने हैं उसी के लिए मेनली नेशनल मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए ही अनुप सत्यापक कमेटी है इसका निर्माण किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुप सत्यापक कमेटी किस लिए है। और अभी इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, इसको लेके न्यूज में आई थी, तो यूपीएससी इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में पूछती रहती है, तो वहां इसका यूज है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को लेके। देखो अभी ये वर्ड न्यूज में भी था, ये अभी प्रोजेक्ट न्यूज में था, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ध्यान रखना है यहाँ पे इसने पूछा क्या है, इसने इनकरेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक एक्सपेंशन है रशिया की गैस पाइपलाइन का। कहाँ से? ये कह रहा है कि जर्मनी से कैस्पियन सी से होते, मतलब रशिया से जर्मनी जाएगी कैस्पियन सी होते हुए, उसको नाम यहाँ पे दिया गया है नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यूएसए है वो इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए का ऐसा मानना है कि भाई अगर रशिया का इस एरिया में दबदबा बढ़ जाएगा यूरोप वाले में, तो कहीं ना कहीं मतलब यूएसए की तो किरकिरी हो ही रही है ना, तो इसलिए कि यार हम एक तरीके से बोलें कि मॉस्को है उसको तो लीवरेज मिलेगी, या बात करें हम रशिया मॉस्को की तो उसकी तो अपनी तुत्ती बोलने लग जाएगी, इसको लेके यूएसए इसका अपोज है, विरोध है, वो कर रहे हैं। अब हमें पूछा क्या है यहाँ पे, एक बार आप देखिए, हमें इनकरेक्ट पूछा, मतलब गलत स्टेटमेंट की बात करें तो देखो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो एक बार हम देख लेते हैं चलो इसके बारे में, तब ज़्यादा फैक्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखो हो गया हमारा रशिया इधर, तो इसको मैंने लिए रशिया का जो यहाँ पे एरिया है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ से बेसिकली यूएस लोग से इस एरिया से होते हुए जो यहाँ पे ध्यान रखना है ये बाल्टिक सी से जाता हुआ प्रोजेक्ट है, ना कि कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी तो इधर साइड में रह जाता है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखो यूपीएससी ने काफ़ी चालाक तरीके से क्वेश्चन पूछती है, तो ऐसे ही हमें ध्यान में रखना है इन चीज़ों को कि भाई ये कैस्पियन सी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बाल्टिक सी से होता हुआ, और ये देखो यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी में ये प्रोजेक्ट है वो जा रहा है, और ऑब्वियसली गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो सही था, पहला गलत है, और हमें पूछा कौन सा था, हमें गलत स्टेटमेंट ही पूछा था, तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है वो आया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एनुअल रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। एक बार आप सोचिए और बताइए, अभी देखो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी की जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बारे में भी पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि भी ILO को बने हुए हैं, पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में भी एक संगोष्ठी या हम एक बोलेंगे सम्मेलन का आयोजित है वो किया गया था। अब हम देखते हैं आज की हमारी डिस्कशन, तो जो आज का पहला आर्टिकल है वो है ताज व्यू गार्डन को लेके। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो, और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने आगरा किले से लेकर ताजमहल के बीच में जो कॉरिडोर है, मतलब आगरा किला ही हो गया ताजमहल हो गया, इसके बीच में जो रास्ता है जो कॉरिडोर है ना, इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ताकि टूरिज्म वगैरह को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए ताज कॉरिडोर क्षेत्र या फिर से ताजव्यू गार्डन के नाम से मतलब एक इनिशिएटिव स्टार्ट उन्होंने किया है, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जा सकें, अच्छी खासी रोड है वो डेवलप की जा सके। मतलब एक तरीके से हम बोलें तो वृक्षारोपण करने के लिए, ताजमहल के चारों हरियाली को बढ़ावा देने के लिए, पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप है वो उठाया गया है। ये तो हो गया कंटेक्स्ट, यहाँ पे तो कुछ इतना अच्छा क्वेश्चन बनने के स्कोप नहीं है, बट इम्पोर्टेंट आगे इसमें ताजमहल, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सी शैली में, ये ध्यान रखना है आपको कि जो मुगल काल में एक इम्पोर्टेंट शैली थी जिसका नाम था चार बाग उद्यान, चार बाग मतलब उसमें क्या होता था, एक तो होता था मेन गार्डन इस तरीके से, फिर इसके अंदर चार गार्डन बनाए जाते थे ऐसे ऐसे, इसको वो कहते हैं चार बाग शैली, और ये एक्चुअली मुगलों की काफ़ी फेमस थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चार बाग शैली थी वो किस टाइम पे, मतलब अपने सर्वोत्तम टाइम पे थी या पीक टाइम में थी। एक इम्पोर्टेंट बाग ये है कहाँ की, ये देखो एक फारसी शैली है, मतलब फारस से लेके आए थे, क्योंकि आपको पता कि मुगल वो कहाँ से थे, मुगल तो फारस से थे, तो उन्हीं की यह शैली थी। जैसा मैंने आपको बताया इसमें एक बैन पार्क होता है, फिर उसमें चार छोटे छोटे कोनों में चार पार्क है वो बने हुए होते हैं। इसके साथ ही हम बात करें उद्यान शैली है वो ईरान और भारत वाले संपूर्ण एरिया में फैली हुई थी, तो ये तो कुछ इतना इफेक्ट बना नहीं। फारसी शैली कहाँ से थी और ये चारबाग शैली का इफेक्ट ध्यान रखना है, और इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंट इमारतें कौन सी हैं जो इनका निर्माण है वो चारबाग शैली में किया गया है। एक तो है हुमायूं का मकबरा और एक है ताजमहल आगरा का। चलो आप ये बताइए, काफी सिंपल सा खैर क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनाया था ये बताइए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन, आई नो आप इजीली इसको अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है डॉल्फिन सेंसस को लेके, क्या है हम देखते थे। देखो अभी डॉल्फिन की जनगणना है वो की गई थी कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है।
अभी डॉल्फिन की जनगणना है वो की गई थी उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के अंदर जो स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उसने डॉल्फिन मछली की जनगणना की और उसमें ये पता चला कि इनकी जो संख्या पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेजी से कम हो रही है। पिछले साल की कंपैरिजन में बात करें तो अभी इनकी संख्या है वो मात्र घट के 469 से लेके 269 तक रह गए, मतलब काफ़ी रेपिडली ये डिक्रीज है वो हो रही है, लगभग 200 के आसपास इनकी संख्या में कमी है वो आई है। उड़ीसा में इनका मेन एरिया कौन सा है डॉल्फिन का वो हम देखते हैं। देखो उड़ीसा के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एरिया है जिसका नाम है गहीरमथा और वहाँ पे टर्टल के लिए भी काफ़ी फेमस है वो एरिया और वहाँ पे लार्जेस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो हमारे देश की पाई जाती है। लगभग उम्मीद की जाती है कि जो ये डॉल्फिन है इनकी लगभग 126 से ज़्यादा स्पीसीज हैं, सॉरी 126 से ज़्यादा वहाँ पे एनिमल्स की प्रजाति पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और यहाँ पे है कि डॉल्फिन है वो IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है वो किया गया है, तो उसी को लेकर न्यूज आई तो UPSC पूछ सकती है कि डॉल्फिन सेंसस रिसेंटली किसके द्वारा मतलब कंप्लीट किया गया था, तो ध्यान रखना है उड़ीसा के स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और डॉल्फिन है वो इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है। इसके साथ ही लास्ट में जो आर्टिकल है हमारा वो यहाँ पे आया है SPSERX के बारे में। देखो थोड़ा नाम से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि लास्ट में EX वगैरह तो हो सकता है कोई एक्साइज वगैरह हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। यह एक मिशन है, एक प्रोजेक्ट है USA का, नासा का, जो कि स्पेस के लिए मतलब स्पेस को और ज़्यादा खंगालने के लिए इस मिशन है। उसका फुल फॉर्म इसकी यहाँ पे है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स अप्रोच और रियलाइजेशन एंड ओएसएस एक्सप्लोरर। आ गया समझ में आपको है क्या इसमें? इसका बहुत सिंपल सा वर्ड बोलूँ तो आपको, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के इतिहास को खंगालने के लिए कि ब्रह्मांड बना कैसे था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसके लिए मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्च नहीं किया गया है, 2023-24 तक इसकी उम्मीद है वो की जा रही है। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि यह USA या नासा का एक मिशन है जो कि ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही देखो USA ने पहले भी दो तीन और प्रोजेक्ट भेजे थे छोटे छोटे, जैसे एक तो उनकी टेलीस्कोप थी वो थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका काम भी क्या था, ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको उजागर किया जा सके। और एक उनका प्रोजेक्ट था जिसका नाम था WFIST, हम बोल सकते हैं वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। देखो ये जो टेलीस्कोप थे ना, ये वाली सेकंड वाली जिसका हम बात यहाँ पे बात करें वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, ये एक्चुअली जो डार्क एनर्जी है उसकी स्टडी करने के लिए, या फिर जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, जो हमारी आकाश गंगा है उसकी स्टडी, और इसी के साथ ही आकाश गंगा के जो बाहर वाला एरिया है, जो एक्जो प्लेनेट है बाहर के एरिया ग्रह हैं हमारी अर्थ के अलावा, उनकी स्टडी करने के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की डिस्कवरी या जो उसके आंसर जो पहलू हैं उनको डिस्कवर करने के लिए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोजेक्ट है ये टेलीस्कोप है वो रिलीज किए गए थे। लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल है वो है सेलेनियम को लेके, है क्या सेलेनियम वो देखते हैं। देखो जो पीरियोडिक टेबल में ये एक एलिमेंट है बेसिकली, ये पाया किसमें जाता है और क्या इसका यूज है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सेलेनियम है वो मेनली गेहूँ, अंडे, चीज और नट्स और जो सी फूड होता है उसमें पाया जाता है, और यह एक तरीके से एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग है वो रखता है। अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेलेनियम के नैनो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवरी या उनकी खोज की थी, और उनकी हेल्प से जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है उनका निर्माण के मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके आगे रिसर्च वगैरह की जा सकती है। तो सेलेनियम ध्यान में रखना किस में पाया जाता है, मे बी UPSC इसके बारे में पूछ ले क्योंकि भी ये न्यूज़ में था। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।